पोर्टफोलियो मेंटेन भी नहीं हो रहा और तुम अचीव भी नहीं कर पा रहे हो। दिक्कत ये आ रही है कि तुम जो 11 मिस्टेक करने वाले हो ना, मैं तुमको वो ही बताने वाला हूँ, फिर उनके सॉल्यूशन भी दूंगा, समझ जाओ। और तुमको ये बताने के बाद तुम्हारे बॉल ऐसे ऐसे ये नहीं बोलेंगे मैं इधर चला मैं उधर चला, सीधा खड़े रहेंगे, चल बड़ी ये ब्लो ट्राइंग। इसके बिना आप कहीं के भी माइकल हेलो आप वॉल्यूम अचीव नहीं कर सकते, लेकिन आप ओजी हो तो आप कर सकते हो। इसका भी मेथड बताऊंगा, मैंने इसमें पूरी डेमोन्स्ट्रेशन बना रखी है यहाँ पे अगली वीडियो, उसमें मैंने तीन मेथड बता दिए, ग्रेविटेशनल टेक्निक, फ्लैट हेड टेक्निक और अपोजिट साइड ऑफ हेयर ग्रोथ टेक्निक। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप ओजी में स्टाइल के माइकल हेलो तो आप बिना उसके भी हाई वॉल्यूम अचीव कर सकते हो। यहाँ पे वीडियो आ चुकी है, आप बिना देख सकते हो बिना ब्लो ड्राइंग के कैसे अचीव करना है मैक्सिमम। लेकिन उन्होंने बोले ऑब्वियसली प्री सेलर्स आपको ये वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, शुरुआत में नहीं लगोगे तो बाल दो घंटे बाद यू ढह जाएंगे, कुतुब मीनार जैसे नहीं खड़े रहेंगे। तो समझो आपको अपने हेयर टाइप के हिसाब से लेना है, अगर आपकी थिन हेयर है तो क्रीम्स लो, लाइट वेट वाली सी सॉल्ट स्प्रेज लो, मूसेस लो, मूसेस थोड़ा सा बालों को ड्राई करते, बाकी दोनों ले सकते हो ताकि आपके बाल ढहे भी नहीं और लाइट वेट वॉल्यूम भी मिले। थिक हेयर वाले वैक्सेस और पेस्ट लो, वो ज्यादा बढ़िया रहेंगे, नहीं तो आपके बाल है ना जो लाइट वेट प्री सेलर्स है ना जो मैंने थिन हेयर के लिए बताया उससे ना बाल है ना सही ढंग का वॉल्यूम आएगा नहीं। और बहुत ज्यादा भारी प्री सेलर मत लेना थिन हेयर के लिए, नहीं तो वो ढह जाएंगे। वॉल्यूम अचीव करने के लिए आपकी ऑप्टिमम हेयर लेंथ होनी चाहिए, अगर आपके बाल थिन है तो 2 से 3 इंच, मीडियम है तो 3 से 4 इंच और थिक है तो 5 से 6 इंच, उससे ऊपर जैसे जाओगे बहुत सोने लग जाएंगे तो समझ जाओ। और आपका हेयर टाइप होना चाहिए ना वो थिन के हिसाब से, नहीं सॉरी, हेयर टाइप के हिसाब से आपकी हेयर लेंथ होनी चाहिए और आपके जो हेयर ब्रशेस होने चाहिए ना वो भी आपके हेयर वॉल्यूम अचीव करने में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कॉम्ब्स की बात करनी है, पॉम्पटर बनाने के लिए थोड़े से छोटे टीथ वाला और ये बड़े टीथ वाला आपके कहना गीले बालों को कॉम्ब करने के लिए ताकि बाल ना टूटे, और इन्हें ये दोनों वॉल्यूम प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास पैडल ब्रश नहीं है, इसको वेंटेड ब्रश बोलते हैं, सही बात है वेंटेड ब्रश बोलते हैं वॉल्यूम अचीव करने के लिए। पैडल ब्रश फ्लैट ड्राइंग के लिए नहीं है, होता है इसलिए मेरे पास नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप बहुत ज्यादा चिपके हुए थोड़े टाइप के बाल बनाते हो तो। क्या करके थ्री हेयर वाले ज्यादा बड़े बाल मत रखना, आपके बाल एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते थिक हेयर जैसे तो बहुत ज्यादा गिर जाएंगे। फोर्थ पॉइंट होने वाला है आपके शैम्पू और कंडीशनिंग रूटीन से रिलेटेड, आपको जो शैम्पू करना है ना वो ऐसा करना है जिससे आपके बाल पूरे क्लियर हो जाए ताकि आपके बाल लाइट वेट होंगे और इजिली वॉल्यूम अचीव कर पाएंगे, भारी होकर बैठ नहीं जाएंगे। और कंडीशनर आपको ऐसा करना है ज्यादा ऑयली ना हो ताकि फिर से भारी होकर बैठ नहीं जाए, ठीक ठाक होना चाहिए, नरिशमेंट प्रोवाइड करे, ऑयली ना हो। और आप वॉल्यूम शैम्पूस को भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो उसमें राइस प्रोटीन होता है, वॉल्यूम नेचुरली आ जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है आप बालों में रेजिस्टेंट ऐड करो, 4-5 बूंद ऑयल की ऐड करो ताकि वॉल्यूम मेंटेन रहे, समझो। सिक्स टिप आपके हेयर कट के बारे में होनी चाहिए, हेयर कट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए क्योंकि वो ही बेस स्ट्रक्चर बनाता है, ये याद रखा करो। आपका जो हेयर कट है ना वो आपको टेपर में लेना है, ठीक है, मान लो आपको सामने से पीछे तक इस तरह की कोई बनानी जैसी मैं बनाता हूँ, ठीक है, तो आपको किस टाइप का टेपर लेना है, सबसे पहले आगे के बाल सबसे बड़े, जैसे मेरे बाल 6 इंचेस के आसपास के, और पीछे के बाल 4.5, उसके बाद 3, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, इस टाइप का टेपर होगा ना तो पीछे के जो बाल है ना वो छोटे हो जाएंगे और वो खड़े रहेंगे तो आगे के बड़े बालों को संभाल के बहुत बढ़िया क्विफ बनेगी। और आपको ये जो टेपर लेना है ना वो है ना डायरेक्शन के हिसाब से लेना है, ठीक है, आपको अगर बाल पीछे करने हैं तो आपको पीछे का टेपर लेना है, और अगर आपको बाल साइड करने हैं मतलब साइड की क्विफ बनानी है ना साइड वाली साइड पार्ट क्विफ, तो आपको उस हिसाब से टेपर लेना है, ऐसे ही जैसे मैंने बताया ग्रेजुअल लेना है, कंसिस्टेंट इंचेस लेनी है। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसको देख सकते हो आप, ये बिल्कुल अनग्रेजुअल है, मतलब 5.5 के बाद सीधा 2.5 चला गया, 3 चला गया, इतना ज्यादा फर्क डालोगे तो बाल वैसे ही बैठ जाएंगे क्योंकि आगे वाले बाल बहुत ज्यादा बड़े हो गए और भारी हो चुके हैं यार। सेवंथ पॉइंट होने वाला है, अगर आप रात को सो रहे हो तो हमेशा बाल स्टाइल करके दो, क्या सुबह बॉटल पेन के उठ लेंगे, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बाल स्टाइल करके सोओगे ना उसके बाद पता है क्या होगा, आपको सुबह बाल बनाने में आसानी होगी क्योंकि गीले बालों के बाद ऑलरेडी आपके बालों में पूरी शेप आ रखी होगी। जैसे ही शैम्पू करो उसके बाद हल्के से बाल सुखा के हल्के से बाल डैप करके और पूरे बना के सो जाओ, उसके बाद आपके बाल सुबह अच्छे रहेंगे, आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर बिखरे हुए बालों के साथ सोओगे और वो बिखर गए, बिखरे हुए होंगे और सुबह भी आप बिखरे हुए बालों के साथ ही उठोगे, फिर वापस जब तक शैम्पू नहीं करोगे तब तक वो बाल सही नहीं होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी शेप ले चुके हैं आपके बिखरे हुए बालों की। 8 पॉइंट होने वाले हैं अपने बालों की केयर करना चालू करो, जितने ज्यादा आपके बाल डैमेज होंगे उतने ज्यादा फ्रिजी होंगे और बहुत ज्यादा बैठे लिंप लाइफलेस बाउंसी नहीं होंगे तो इतने अच्छे वॉल्यूम आ ही नहीं पाएगा। 9 पॉइंट होने वाले अपने बालों में ना ऐसे वेंटेड ब्रश लेके कर्व देना चालू करो, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं ना तो वो हाथों से स्टाइल नहीं हो सकते, वो सिर्फ सीधे खड़े हो जाएंगे और आधे घंटे बाद बैठ जाएंगे, वॉल्यूम अचीव ही नहीं हो पाएगा, ऐसे बढ़िया ऐसे करके कर्व्स देना चालू करो ब्लो ड्राई के साथ ऐसे ऐसे करके, मैं डांस नहीं करूं, कर्व्स दे रहा हूं। 10 पॉइंट होने वाला आपको मेक श्योर करना है बालों में प्रोडक्ट का इमल्सिफिकेशन ढंग से कर रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे प्रोडक्ट लगाया यू किया पूरा प्रोडक्ट ब्रेकडाउन नहीं हुआ और लगा लिया बालों में, चंक्स बन जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, होल्ड ही नहीं आएगा और बालों को पूरा रूट्स तक लगाओ, प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट
क्रिएट्स बस अच्छे रखना, यूट्यूबर्स की बात मत सुनो सबकी यार की बाल झड़ जाएंगे बाल झड़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूट्स में लगाओगे तभी होल्ड मिलेगा, बस इंग्रेडिएंट्स जम के लेना। 10% डिलीवरी मिले सारे दिन बालों में, हर मिनट में हाथ मत लगाते रहो, उससे होल्ड टूटता है प्रोडक्ट के बाल गिर जाएंगे, और चेन से ऊपर के बाल मत रखो, मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगेंगे तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा आप लोगों को। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।